अलमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी नांदेड़ के सदर मौलाना मोहम्मद अय्यूब खासमी ने म्यूनसिपलिटी से बात करते हुए बताया कि सोसाइटी की जानिब से 22 अप्रैल को लेबर कॉलोनी नांदेड़ में गरीब व नादर लड़कियों की इज्तिमाई शादियां मुकर्रर है। एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से गरीब नादार यतीम लड़कियों की इनफरादी वो इज्तिमाई शादियों का एक सिलसिला जारी है। तो अलमीन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर मौलाना अय्यूब खासमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मौलाना, इस साल कब है शादियां, ये बताइए। हर साल की तरह इन साल भी 22 अप्रैल बरोज़ इतवार बवक्त बाद नमाज असर लेबर कॉलोनी के ग्राउंड पर इज्तिमाई शादियों का इनेकाद अमल में आ रहा है। गुज़िश्ता 14 सालों से ये शादियों का सिलसिला जारी है। अभी तक 625 शादियां इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर अंजाम दी जा चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन साल भी अच्छे पैमाने पर शादियों का नज़्म किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद हजरात से गुजारिश है कि रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई जारी है, वो अपने नाम हमारे ऑफिस नयावादी एमके बुक हाउस पर आकर दर्ज करवा सकते हैं या बराह रास्त हमसे मिल सकते हैं। और तमाम अहले खैर हजरात से अपील है कि वो इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अशिया की शक्ल में या रकम की शक्ल में, जो भी आप अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें और इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मौलाना, ये बताइए कि ये जो शादियां हैं सिर्फ शहर के लड़कियों के या कोई देहात या तालुके के अगर आते हैं तो भी आप? पूरे इलाके मराठवाड़ा के किसी भी ज़िले या किसी भी तालुके से हमारे पास नाम लिखा सकते हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मराठवाड़ा के हर ज़िले से हमारे पास शादियां दर्ज होती हैं। तो इज्तिमाई शादियों का नज़्म नांदेड़ में लेबर कॉलोनी के ग्राउंड में रखा गया है। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद अल्ताफ, मुंसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से। खबरें दखन की में फिलहाल इतना ही। मुंसिफ टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहे मुंसिफ टीवी। इस बुलेटिन को पेश